तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज पहला दिन है जी, बर्फबारी हो गई है बिश्केक में। हमारे साथ हमारे जोटीदार हमाद सलीम, लास्ट सेमेस्टर बॉय हमाद भाई हैं। और जी इतने दिन जी हम मसरूफ़ थे, मैं मसरूफ़, हर कोई अपनी उसमें मसरूफ़ है जी। हमाद भाई भी नहीं मिल रहे थे कि भाई इनके साथ व्लॉग बनाया जाए, हमारी क्लासेस भी कम नहीं हो रही थी। तो जी मुझे बड़ी खुशी है जी, मैं यार बर्फ़ देख के बड़ा खुश हो जाता हूँ। ठीक है जी, तो अभी जी सीन्स दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, बर्फ ही बर्फ, आहा किस कदर बर्फ है इतनी ज़्यादा बर्फ। और अभी जी यही हमारे बिश्केक, अल्लाह माफ़ करे, जिसमें हम परसों आधी बाजू की शर्टें पहन के फिर रहे थे। शूट करेंगे, अच्छा जी शूट हम क्यों करेंगे जी। अच्छा पहले देखो गाय की गाड़ी खड़ी है जी, पुलिस ही यहाँ भी है। खैर जी, राइट नाउ मैं तो जी घूमने आया हूँ, क्योंकि सुबह हमारी थी दो क्लासेस, एक ऑनलाइन हो गई और एक पोस्टपोन हो गई। मैं तो ग्लोबस तक जा रहा हूँ जी, जरा चक्कर लगाने और कुछ खाने के लिए। राइट नाउ हमारे भाई जो है ना यहाँ से फुर होने वाले, फुर क्यों होने वाले हमारे भी थोड़ा सा बताइए, आप खुद ही बताएं, खुद ही बताएं। मोबाइल लेने, कौन सा? इंशाल्लाह 15 प्रो मैक्स। ओहो माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको नसीब करे। सो जी बाकी व्लॉग जाए इंशाल्लाह कल से जी आइंदा से व्लॉग 15 प्रो मैक्स बनेगा। ठीक है ठीक है, मैं उधार पे ले लूंगा ब्लॉग बना के करेंगे, बच्चे आना, बच्चे खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। अंदर की तरफ खोलो, मज़ा आ गया मुझे तो। स्नो शूज भी निकाल लिए हैं, पहन लिए हैं। अभी तो ये पहली बर्फ़ है -3 -4 वाली, तो इतनी कोई ज़्यादा ठंड ठंड नहीं है। मुराद एक पैंट आपने पहनी हो तो नॉर्मल होता है, अब मैंने ये एक हाईनेक पहनी और एक जैकेट पहनी है। ऊपर तो बंदा सही रहता है, नीचे टांगों पर लगती है थोड़ी ज़्यादा सर्दी। अभी आगे जो दिन आने वाले हैं उसमें फिर दो पैंट्स या ट्राउजर्स या लेगिंग्स पहनने पड़ेंगे। मज़ा नहीं आ गया। चल जी बातों में हम लोग पता नहीं कौन सा कबाब है वहाँ तक पहुँच गए जो हमारे घर के पास है। अभी खाते हैं कबाब गर्मा गर्म, शवारमा खाते हैं, डोरा खाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वही बड़ी सर्दी है, नाक बंद हो रहा है। शवारमा तो जी ले लिया, एक बोतल भी लिया, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बैठ के खाऊं या घर जाके खाऊं, क्योंकि भाई सर्दी है बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा है कि मैं अपनी तरफ से हाईनेक पहन के आया था और ऊपर ये सन कैप लाया कि चलो सर जो है ना मेरा बर्फ़ से बच जाए, लेकिन भाई द ओनली वाइटल ऑर्गन माई एयर्स आर एक्सपोज। बात तो सही है भाई, मेरा तो कान सुन हो गया, दर्द करने लग गया, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं घर चला जाऊँ और घर जाके ना सुकून से एक दफ़ा खा लूँ। देखते हैं, अभी तक तो यही सोचा, चलते हैं घर जी। बर्फ़ की सफाई वगैरह भी चालू हो गई है जी, ये चेक करें किस कदर बर्फ़ है। और एक एक दिन में पड़ी है, मतलब ये कल रात को पड़ना शुरू हुई थी और ये आज सड़कें जो हैं भर चुकी। अलबत्त ये चिप चिप जो है ना थोड़ी बहुत मुझे सही नहीं लगती, सबको ही सही नहीं लगती जो कि मतलब ट्रेवलर्स हैं। अब इनके साथ आप गाड़ी में बैठो तो सारी गाड़ी गीली, लेकिन खैर स्टिल बर्फ़ जी बहुत सुकून वाली एक फील देती है, बड़ी वाइब देती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बॉयज़ जी जो हैं अली और शहराज, अपने बॉयज़ दोनों वो जी फ्लैट में मज़े ले रहे हैं, टॉपलीनियर चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं वो जी गर्मो गर्म। लेकिन मेरा बड़ा दिल था सुबह से, क्लासेस के लिए भी नहीं निकले, सो मैं फिर आ ही गया बाहर थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। यार मेरे से तो रजिस्ट नहीं हो रहा, मैं क्या सर्दी लगती है तो लगे। आई वॉज हेयर फॉर द शवारमा, शवारमा खाना मैंने शुरू कर दिया इन्जॉय फुल है। अच्छा शवारमा एज ऑलवेज ही बहुत मज़े का, तो मुझे एक बात अच्छी लगती है कि ना होता मज़े का टेस्टी, और जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि होता काफ़ी बड़ा है। सो अगर आपका मतलब लाइक आपने खाना नहीं खाया, आप ये खाएं तो आपके ना पेट भर जाएगा। बाकी जो होते हैं बीबी कॉर्न वगैरह वो छोटे बहुत होते हैं, मतलब वो दो खाने पड़ते हैं पेट भरने के लिए। फिर आगे से हम ठहरे शौकीन, हम तो कभी कभी ये भी दो खा जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक
ये ना चिली देते हैं साथ अभी। अच्छा वैसे अंदर लगी भी नहीं है, मैंने लगाई है क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, लाइक एक हाथ में फ़ोन है और दूसरे हाथ में ये है शॉर्मा, तो मैंने उसके ऊपर लगा दिया। तो ये चिली ना ऐसे बाइट बाइट लेके खानी होती है, तो बड़ी मज़े की होती है। तो खैर वैसे आमतौर पर देते नहीं है, लेकिन अगर आप कह देंगे कि चिली दे दें तो वो चिली दे भी देते हैं। अलबत्त मायनीज़ वगैरह भी देते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो सही है काफ़ी, तो मैंने इसलिए मायनीज़ वगैरह नहीं लिया। लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पर काफ़ी डोनर वाले जो है ना चिली वगैरह देते हैं साथ मांगने पे ना, कज़ान है वो लोग भी देते हैं। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, चिली जो है ना वो अच्छी लगने की बिना पर ज़्यादा ना खा लीजिएगा, क्योंकि वो फिर जब तक निकलती नहीं वो उस तक आग लगाए रखती है इंसान के जिस्म में। सो केयरफुल होकर खाइएगा। मगरिब की अजान स्टार्ट हो गई, असर की नमाज़ में पढ़ के निकला था, तो जितना खाया जाता है खाते हैं, फिर घर जा कर जी मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। मैं अभी गाड़ी भी दिखाता हूँ आप लोगों को, गाड़ी कितनी बर्फ़ में ढक गई है। देखें जी बिश्की की पहली बर्फ़ ही ऐसी घोटे के पड़ी है ना, अगर आप लोगों को सही मेजरमेंट्स दिख रही हो गाड़ी किस कितनी ऊपर ऊपर, मतलब मेरे फ़ोन से ज़्यादा चौड़ी लेयर जम गई है। अभी तो शुक्र है क्लास कोई नहीं थी, वरना ये पहले सारी हटानी पड़ती। ये तो ये हैं जी गाड़ी के कुछ अंदर से हालात। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। ओके शाबाश। खा लिया जी शवारमा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बर्फ ही बर्फ है, अलबत्त आज तो हमने गाड़ी नहीं स्टार्ट करनी क्योंकि आज हमारी क्लासेस कोई नहीं थी। सो इंशाल्लाह कल इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और बर्फ़ शरफ हटाएंगे। अगर जी कभी मेरा चक्कर लगता है तो बिल्लियाँ बैठी होती है, तो मैं इसे ये कैट फूड का पैकेट खरीद के डाल देता हूँ, एक ये भी खुश हो जाती है। वैसे मैगजीन के अंदर बैठी होती है, लेकिन वो मैगजीन के अंदर डालना जो है वो निकल गया है, और एक और भी आ गई। तो ये वैसे कैट फूड है, ये अभी मैंने डाला तो मेरे हाथ फ्रीज से, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाएं कि यार ये बेचारे इतना खाते नहीं हैं, मासूम सोते हैं। कोशिश किया कि पाकिस्तान में तो इतनी कोई सर्दी मतलब हमारे इलाकों में नहीं पड़ती, मुल्तान वाली साइड पे, लेकिन जहाँ भी हो कुत्ता हो या बिल्ली हो या चिड़िया वगैरह, कोशिश किया कि उन्हें थोड़ा बहुत खाना डाल दिया। ये तो बेजमान है और इनकी दुआ तो कबूल ही कबूल है। आप अल्लाह की रजा के लिए डालें, बेशक आप अपने किसी काम की रस ना डालें। अल्लाह पाक जब हमें दे रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि हम उसमें से थोड़ा सा खर्च करके इन्हें भी थोड़ा बहुत खिलाएँ। अलबत्त मेरे तो आप लोगों ने चैंडी देखा होगा घर में, वो तो माशाल्लाह जना बहुत खाती है, माशाल्लाह सुकून करती है घर में, उसे तो बाहर का नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है मौसम। लेकिन ये जो बाहर के स्ट्रे होते हैं, स्ट्रे बिल्लियाँ या स्ट्रे डॉग्स होते हैं, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मीनवाइल अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। तो ये था जी आज का ब्लॉग, मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने खूब ख्याल रखें, और मैं तो भाई बहुत खुश हूँ कि बर्फ़ पड़ता है।